हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस एर वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट आज हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ बायो टेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट आज अभ्यास टू पॉइंट ओ के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक फॉर प्रैक्टिस एम सी क्यू फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम एच सी एस अच्छा बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये सोच रहे हैं कि शायद मे भी एग्जाम जो है वो डिले हो सकता है ठीक है बहुत सारा ऐसा र्यूमर आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब मेरे को भी इवन मेरे को भी ये चीज़ नोटिस हुई कि बहुत सारे यू नो यूट्यूब के ऊपर ऐसा वो आ रखा है एक र्यूमर सा आ रखा है एग्ज़ाम जो है दैट कैन बी डिले बट प्लीज़ मे प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़ ऐसी अफवाहों के अंदर आके अपना टाइम वेस्ट या अपने आप को डीला नहीं करना है ऐसा ना हो कि आप ये सोच लो कि चलो देख लेंगे क्या पता एग्ज़ाम डिले हो जाए तो स्टडी छोड़ देते हैं या टेस्ट नहीं लगाते ठीक है या मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही आता है कि चलो कुछ नया पढ़ लेते तब तक ये पोर्शन कवर नहीं हुआ मैं कर लेता हूँ बट प्लीज़ स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपका हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका पेपर जो है वो इलेवन फेब को हो रहा है ठीक है जी ऐसा कोई भी अपने मन के अंदर डाउट मत रखना पता चले उस पर देखा सोशल शो, मीडिया पे देखा कि सोशल मीडिया को देखकर आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि ऐसा सर मैंने सुना यार, है यार ये जो एग्ज़ाम है एच का वो डिले हो रहा है वाई ऐसा क्यों हुआ है बिकॉज कोई वेटनरी का एग्ज़ाम था एच का वो डिले हो गया ठीक है उसके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं इसलिए ये सब कुछ र्यूमर फैल रहा है र्यूमर आ रहा है मार्केट के अंदर कि हाँ जी जो एच का पेपर है हमारा सिविल सर्विसेज का वो भी उसका प्रीलिम्स भी डिले हो सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट एच इस टाइम पे प्रीलिम्स को लेकर और सिविल सर्विसेज का ये जो टेस्ट है को लेकर बहुत सीरियस है सेंटर वगैरह हर चीज़ फिक्स हो चुकी है सो दैट्स वाई ऐसी र्यूमर पर बिल्कुल भी आप ट्रस्ट मत कीजिए और मोबाइल कीजिए और अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे सामने कुछ भी आता है उसको टोटली इग्नोर कीजिए उस वीडियो को पाँच मिनट की भी अगर वो वीडियो है दो मिनट की अगर वो वीडियो है उसको सुनने की गलती मत कीजिए ठीक है बिकॉज कुछ भी है चाहे मैंने आपको बोली क्यों नहीं दिया ठीक है फिर भी जो माइंड होता है ना वो ए, उसको रहता है ऐसा कि हाँ मैं इसके बारे में और सोचूँ या मैं और देखूँ ठीक है या मैं कन्फर्म कर लूँ ठीक है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है ओके क्लियर इज दैट क्लियर यस और नो ठीक है जी तो ठीक है बच्चे तो इससे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज जो हमारी इस टाइम चल रही है आपको भी पता है टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आते हैं स्टूडेंट फाइव हंड्रेड एम क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट आप इसको अवेल कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरी है हमारी एच सी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट जो जिसमें जो जिसके अंदर ट्वेंटी सिक्स टेस्ट हैं स्टूडेंट रुपीज़ सिक्सटी फाइव हंड्रेड है ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्लियर है आपको ये बात ठीक है जी तो स्टूडेंट बात ये है इस टाइम कि हमने एम सी क्यू सफिशेंटली प्रैक्टिस किए हैं फॉर द बायोलॉजी फिर हमने केमिस्ट्री के किए और फिर हमने फिजिक्स की इन तीनों ही टॉपिक्स पे मेरे सेशंस आ चुके हैं स्टूडेंट एम के अब जो हम एम करेंगे स्टूडेंट वो ये थी हमारी जर्नल साइंस ये थी हमारी जर्नल साइंस के एम जो हमने प्रैक्टिस किए आज थे जो मेरे सेशंस जाएंगे स्टूडेंट वो मेरी जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मतलब कि एडवांस साइंस पे एडवांस साइंस मैंने क्लास में भी करवाई हुई है लाइक बायोटेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आईसीटी डिफेंस टेक्नोलॉजी ये हमने क्लास में भी की थी बट बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मैम एडवांस साइंस करने की क्या जरूरत है हम कौन सा यू का पेपर दे रहे हैं तो बेटा जी बात ये है कि इस टाइम पे एडवांस साइंस में से भी क्वेश्चन आते हैं बेशक वो बहुत ही बेसिक आ रहे हैं बट क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर कुछ आ रहे हैं तो इग्नोर तो आप कर नहीं सकते उसको मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी में से आपको स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया इसरो ने अभी अभी कितने सारे कारनामे किए है ना चंद्रयान मिशन थ्री हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा आदित्य एलवन मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा इसके अलावा भी उन्होंने कई मिशन यहाँ पे किए हैं तो स्टूडेंट उन पर क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर में और करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो करंट अफेयर में कवर हो जाएगा वो आपका नहीं बच्चे जो उसका स्टैटिक पोर्शन है जो फैक्ट फैक्चुअल नॉलेज है कॉन्सेप्ट वाइज जो नॉलेज है वो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका क्वेश्चन चंद्रयान थ्री पे आ जाता है तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि हाँ जी एलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट के के बीच का क्या डिफरेंस है तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट क्या है आपकी स्टैटिक पोर्शन की स्टेटमेंट है ठीक है बेशक उसने क्वेश्चन करंट अफेयर पे पूछा है आपसे ठीक है पोलार ऑर्बिट क्या होता है आपका आ, जो आपका इक्वेटर ऑर्बिट क्या चीज़ है अगर हमारा सैटेलाइट इक्वेटर पे है तो वो कितना कवर करता है है ना तो ऐसे क्वेश्चन सेम जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो पूछ सकता है आपसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए पता होना चाहिए आपको डीएनए क्या चीज़ है आरएनए क्या चीज़ है तो सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए स्टूडेंट सो दैट्स वाई स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड और उससे हम देखेंगे एम सी क्यू यहाँ पर जो मैंने एम सी क्यू लिए हैं वो बहुत ही बेसिक लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी के सो so दैट आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और आप एम सी क्यू भी कर ले जाओ ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हाँ जी तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चे तो क्वेश्चन पढ़िए कहता था, था टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय वॉट ये जो टर्म है ये किसने क्वाइंड की थी आंसर कीजी। आंसर कीजिए कीजिए बच्ची सो दैट इज क्वाइंड बाय केरलो कि इन 1917 ठीक है इन्होंने ये टर्म क्वाइन की थी बायोटेक्नोलॉजी सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट समझने वाली इसमें कोई बात है नहीं दूसरा है कहता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज रिच इन ऑफ द ठीक है ये हमने हमारा जर्नल साइंस में भी पढ़ा था बेटे जब हमने गोल्डन राइस के बारे में हमने वाइटमिन का चैप्टर पढ़ा था वाइटमिन ए पढ़ा था हमने ठीक है तो आंसर कीजिए इसका आं, आंसर कीजिए फटाफट आंसर कर देना है एक मिनट भी नहीं लगाना आंसर देते हुए कमेंट पे ऐसे आने चाहिए जैसे बारिश हो रही हो ठीक है ऐसे कमेंट करने दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा बीटा कैरेटिन विटामिन ए एंड एंड फॉलिक एसिड आपको पता है जेनेटिकली इंजीनियर क्या चीज़ होती है जब हम किसी चीज का जेनेटिकली मेकअप उसका चेंज कर देते हैं उसको हम जेनेटिकल मेकअप कहते हैं दो तरीके का मेकअप होता है एक आपका फिजिकल मेकअप जो आप करवाते हो है ना ज़्यादातर गर्ल्स मेकअप ज़्यादा लाइक करती हैं ठीक है मेकअप मेकअप कोई बुरी बात नहीं है स्टूडेंट ठीक है ओके बॉयज okay. भी आजकल तो मेकअप करते हैं ठीक है मेकअप इन द सेंस कि आप अपने आप को ग्रूम करते हैं है ना राइट right? आप अपने आप को ऊपर से आप मेकअप करके आप आ, कोई भी यू you नो know, आप आ, आ, आप अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप यू नो अपने आपको बेटर दिखाने के लिए आप जो है फिजिकली मेकअप करते हैं बिल्कुल वैसे स्टूडेंट हमारा जेनेटिकल मेकअप भी होता है जेनेटिकल मेकअप का मतलब आपके अंदर जो जीन्स है स्टूडेंट जो आपका इनहेरिटेड कैरेक्टर है जैसे कि अगर आपके बाल करली हैं तो ये क्या है आपका जेनेटिकल मेकअप है बच्चे आपके बाल करली हैं जिसकी वजह से आपका जो लुक है वो अलग तरीके का है है ना जब आपके बाल करली होते हैं तो आप देखिए आपका लुक चेंज हो जाता है अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आपका एक अलग लुक निकल कर आता है, है ना एक अलग पर्सनैलिटी निकल कर आती है आपकी तो बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन का कलर है अगर आपकी स्किन का कलर फेयर है डार्क है तो उससे आपकी एक अलग पर्सनैलिटी निकल कर आती है ठीक है बहुत अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है उससे तो बिल्कुल आपकी हाइट बहुत अच्छी है ठीक है आपका फिज़िक बहुत अच्छा है तो ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ अवर जेनेटिकल मेकअप और अगर स्टूडेंट अगर आप जेनेटिकली किसी चीज़ को चेंज करते हैं देन वी कॉल्ड इट एज द जेनेटिकली इंजीनियरिंग जेनेटिकल मेकअप हमारा किसकी वजह से है हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है दैट वी कॉल्ड डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये कहाँ मिलता है हमें हमारी सेल की न्यूक्लियस के अंदर मिलता है बच्चे अब इतना तो बेसिक आपके क्लियर ही होंगे है ना तो यही यही जो हमारा डीएनए है इसी के अंदर हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर जितने भी हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर हैं जितना भी हमारा जेनेटिकल मेकअप है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहती है ठीक है तो जेनेटिकली इंजीनियर जो हमारे गोल्डन राइस हैं जिस जिसमें गोल्डन जो कलर uh, उसके अंदर आता है दैट इज़ ड्यू टू द बिटा कैरेटिन एंड इट हेल्प ये हेल्प किस लिए करता है विटामिन ए e की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको बताया वो पहले भी हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किए तो ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना ठीक है जी अगर किसी को डाउट डाइट डाउट है भी तो बायोलॉजी में आप जाइए बच्चे एम के सेशन देखिए और वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बहुत अच्छे से ठीक है जी तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की क्वेश्चन पढ़िए बच्चे कहता है विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोविंग टाइप्स ऑफ ए सेल एबिलिटी टू डेवलप एनी टाइप ऑफ ऑफ सेल ऑल ऐसी कौन सी सेल है बच्चे जिसके जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकती है जैसे इस ही ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा आप सिंपली समझिए क्या आपकी स्किन सेल आइस की सेल बना सकती है देखो हमारी बॉडी के अंदर जो भी है हर एक अलग अलग सेल से बनी हमारी स्किन हमारे बाल जो है वो अलग सेल से बने हुए स्किन हमारी अलग सेल से बनी है लंग्स हमारे अलग सेल से बने हर जगह पे सेल टाइप ऑफ सेल जो है तो हमने टिश्यू वाले चैप्टर में किया था वो क्या है यहाँ पे अलग अलग है बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चे कि आप स्किन सेल को यूज़ करके आप आई की सेल को बना लो नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है या आप आई की सेल को यूज़ करके आप जो है वो स्किन की सेल को बना लो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी सेल भी है जो और टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकती है ठीक है तो देखिए एंडोडर्मल सेल एक्टोडर्मल सेल मसल सेल फिर बोलता है कि स्टेम सेल तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अवर स्टेम सेल हाउ इज दिस पॉसिबल बच्चे देखिए बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जब जब स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन होती है टॉपिक थोड़ा सा ये लंबा है मैं आपको सारा नहीं समझा पाऊंगी यहाँ पे बट हाँ कुछ बेसिक यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ एग की स्पर्म प्लस एग की जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जो पहली हमारी जो सेल बनती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जाइगोड उसको हम क्या कहते हैं जाइगोड ठीक है ये जो जाइगोट जो सेल है स्टूडेंट इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है इस एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इस सेल से हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन बन सकता है जैसे कि वो एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर हो वो मतलब उसके पास इतना पोटेंशियल है उस सेल के पास एक सेल के पास कि वो हर चीज़ बना सकती है हमारी बॉडी की उसी से हमारा लीवर बनेगा उसी से हमारे मसल्स बनेंगे उसी से हमारा हार्ट बनेगा उसी सेल से हमारे स्किन बनेगी उसी सेल से हमारे लंग्स बनेंगे उसी सेल से हमारी किडनी बनेगी उसी सेल से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे हर चीज़ बनेगी बच्चे तो ये जो सेल है स्टूडेंट ये जो सेल है इसी सेल को हम स्टेम सेल कहते हैं हालांकि इस सेल का नाम जो है दैट इज दैट वी कॉल्ड टोटली पोटेंट सेल दैट टोटी टोटी पोटेंट पोटेंट सेल, सेल, स्टेम ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे ठीक है स्टेम सेल कई टाइप की होती है अच्छा फिर क्या है एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो थाई के अंदर हमारे एक हमारे प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल्ड बोन मैरो हमारी थाई के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मेरो जहाँ से स्टूडेंट हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स जो हैं वो बनती हैं अलग अलग टाइप ये एक बॉर्न मैरो है स्टूडेंट यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स जो हैं वो बन रही हैं तो इसको मैं क्या बोलूँगी इसको मैं क्या बोलूँगी स्टेम सेल बोलूँगी क्यों क्योंकि क्यों बच्चे ऐसा क्यों क्योंकि बोन मैरो जो है वहां से अलग अलग टाइप की सेल्स जो हैं वो बन रही हैं इसका मतलब क्या है कि एक ही टाइप की सेल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो जनरेट हो रही हैं जो बोन मैरो की सेल्स हैं बच्चे जो हमारा बोन मैरो है जो हमारे स्टेम हमारी थाई हमारी थाई के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट ठीक है वहाँ से क्या बन रही हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स बन रही हैं वहीं से हमारी आर जनरेट होती है वहीं से हमारी बी सेल्स बनती हैं वहीं से हमारी डब्ल्यू सेल्स बनती हैं ठीक है इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करती हैं वहीं से हमारी टी सेल्स बनती हैं तो ये इतने टाइप ऑफ सेल्स अगर एक ही टाइप ऑफ सेल से बन रही हैं बोन मैरो की जो सेल्स हैं वो आगे आगे फर्दर इतने टाइप में कन्वर्ट हो रही हैं देन आई कैन सी कि दिस इज स्टेम सेल्स जो बोन मैरो के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है एक तरीके का एग्जांपल है स्टेम सेल का क्यों क्योंकि वो आगे फर्दर बहुत सारी टाइप ऑफ सेल्स में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है इज इट क्लियर येस और नो समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं बच्चे आप कमेंट कीजिए ठीक है अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि मैम आप थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप बता देना मुझे ठीक है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है बच्चे तो आप प्लीज़ मेरे साथ कॉपरेट करना ठीक तो है ओके तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए <laughs> हाँ जी कहता वट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ठीक है कहता सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन हैं ये उसने पूछा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ये पूछा है उसने क्या चीज़ है ये सबसे पहले तो आप यही समझिए कि है क्या चीज़ ये ठीक है देखो बच्चे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्री ऑफ डिजीज़ चीज होती है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये मैं आपको समझाती हूं देखिए बच्चे मान लीजिए ये हमारा एग सेल है ये हमारा एग सेल है और ये है हमारा स्पर्म सेल ठीक है अब है क्या स्टूडेंट प्रॉब्लम ये है हमारे स्टेम, आ, आ, एग सेल के अंदर कि इसका जो डीए इसका जो न्यूक्लियस है इसका जो न्यूक्लियस है वो खराब है इसका न्यूक्लियस क्या है खराब है इसका ठीक है वो डैमेज है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक सोमेटिक सेल लें हम एक सोमेटिक सेल लें जिसका न्यूक्लियस क्या है बिल्कुल सही है जिसका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सही है तो हम क्या कर सकते हैं इस सेल के अंदर से इस सेल के अंदर से हम क्या करेंगे हम जो है वो जो हमारा डैमेज जो हमारा डैमेज न्यूक्लियस उसको हम आउट कर देंगे आउट कर देंगे उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह पे ये जो हमने बी सेल लिए मान लो ये सेल बी है ये हमारा सेल ए है बी सेल का न्यूक्लियस जो बिल्कुल सही है जो डैमेज फ्री है जिसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे जो हमारा हेल्दी जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम इसकी फर्टिलाइजेशन करवा के हम क्या कर सकते हैं एक डिजीज फ्री ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन कर सकते हैं एक डिजीज फ्री ऑर्गेनिज्म की हम क्या कर सकते हैं बच्चे प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है ये बात क्लियर हुई आपको ठीक है क्लियर आपको ये बात सो so? डी होगा प्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं हाँ जी, तो कीजिए. फॉलोइंग वेराइटीज ठीक है अच्छा इसका ना एग्जाम्पल बड़े सारे हैं जैसे यहाँ पे इवन जो हमारे थेरेप्यूटिक जो डिजीज होती हैं उसको भी हम यहाँ पे यहाँ पे क्योर कर सकते हैं ठीक है ओके ट्रांसजेनिक अगर हमें यहाँ पे वो करना है तो भी हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं ठीक है तो फिफ्थ क्वेश्चन को आप रीड कीजिए <coughs> अच्छा बीटी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी ना आपको बीटी की फुल फॉर्म पता है ना सबको क्या है बीटी की फुल फॉर्म बताना है एक बार चलो कमेंट करो फटाफट से कमेंट करो की बीटी की फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं बताऊंगी आपको आप बताओ मुझे कि बीटी कॉटन जो हमारा है उसकी फुल फॉर्म क्या क्या है चलो बताओ सो दैट इज अवर कॉटन कॉटन की वैरायटी हमने बीटी से प्रिपेयर की तो फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी ठीक है क्योंकि अगर मैंने डिटेल बताई तो मैं आंसर बोल दूंगी बीटी की फुल फॉर्म क्या मेरे मुंह से निकल जाएगा नो ठीक है तो मैं इसको आगे हम जब बायोटेक्नोलॉजी का करेंगे तो मुझे पता है उसमें टॉपिक दोबारा से आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे हम फिलहाल आप सिक्स क्वेश्चन को पढ़िए क्या था हु इज द फादर ऑफ बी टी कॉटन बी टी कॉटन के फादर कौन थे इसका आंसर कीजिए मेरे को ऐसे फुल मोटिवेशन के साथ आंसर किया करो बच्चे दैट इज अवर दैट इज अवर अर्नेस्ट बेलिनियर ठीक है तो अर्नेस्ट बेलिनियर जो थे स्टूडेंट वो हमारे कौन थे हमारे फादर थे कौन से बीटी कॉटन के तो अर्नेस्ट जो थे उन्होंने एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया था दैट किल्ड ए मेडिटेरियन फ्लोर मंथ इन 1911 ठीक है और यहीं से हमारी डिस्कवरी होती है किसकी बीटी कॉटन की ठीक है जी ओके क्लियर आपको ये बात ठीक है जी तो आगे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं सेवन कहता है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स क्लोन्स बनाने के लिए हमें कौन सा ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का ठीक है जो हमें हेल्प करता है क्लोन बनाने के लिए क्लोन बनाने के लिए यहाँ पे इसने क्वेश्चन पुट किया बच्चे तो बताइए क्या है बताइए क्लोन का मतलब क्या होता है सबसे पहले क्लोन का वर्ड का मतलब समझिए क्लोन वर्ड का मतलब होता है हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल हंड्रेड परसेंट आइडेंटिकल जैसे अगर आपके सामने एक ऐसा बंदा आ जाए बच्चे जो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपकी तरह दिखता हो हंड्रेड एंड वन परसेंट आवाज आपके फिजिकल फिजिक आपके बाल कलर हर चीज़ और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब अग, अगर अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस हो ठीक है ऐसा मान लीजिए कि मान लीजिए आपकी मम्मा के दो बच्चे बेबी हो एक, और एक फिर बेबी चोरी हो गया हॉस्पिटल से और वो आपको कुछ टाइम बाद मिला है ना देखा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हंड्रेड परसेंट किसकी शक्ल मेरे से, थोड़ी बहुत मैच करती है ठीक है कई बार आपको कोई पर्सन मिल जाता है कि जिसकी शक्ल आपसे मैच करती है बट हंड्रेड परसेंट मैच नहीं करेगी ठीक है बट हाँ आपकी जो हंड्रेड परसेंट अगर किसी के साथ आइडेंटिटी मैच करेगी इवन आपका ब्लड ग्रुप तक बचे ब्लड ग्रुप आपका डी अगर हंड्रेड मैच करेगा दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू ड्यू टू इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस बट बट इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर भी हंड्रेड परसेंट एज इट इज होता है क्यों क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ओनली ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व ये बात क्लियर है आपको ये सुर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे एक ही पेरेंट होगा तो ऑब्वियसली बच्चे उसी का 100 परसेंट डी आगे कॉपी होगा सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन क्लियर है क्लियर है या नहीं है हाँ तो चलो एट्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को फटाफट से हाँ <coughs> जी कहता है ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम गोल्डन राइस कहता है

अच्छा कहता है जेनेटिक चेंज हम कर सकते हैं ठीक है इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कहता है ए परसन जिनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज कहता है एम्ब्रियनिक स्टेज के अंदर जब एक फीटस हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल के यूट्रस के अंदर जब वो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम की ये बात कर रहा है फिर कहता है थर्ड नंबर पे कहता है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोर्टेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन टू द एम्ब्रीओ ऑफ ए पिग क्या था ह्यूमन इंड्यूस्ड जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है हमारी अभी मैंने आपको स्टेम सेल के बारे में बताया ना ये उसी का टाइप है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो है उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं इन द एम्ब्रीओ पिग तो इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चे की कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखिए बच्चे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मतलब ये आप वहां नहीं लगा सकते यूपीएससी के अंदर बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे अब एग्जामिनर ने इस चीज को पकड़ लिया तो है बट यहाँ पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है क्या आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट उसकी स्टेटमेंट सारी ही सही होती है बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब एग्जामिनर ने किसी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट को देखते हुए वो क्वेश्चन सेट किया इसका एक चीज़ समझो बच्चे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आने आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर का वो पार्ट है तो बहुत ही मतलब एग्रेसिवली एग्रेसिव aggressive तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है तो जो चीज़ आपको सुनने में भी वियर्ड लग रही है ना कि हाँ जी ये चीज़ कैसे हो सकती है इज दिस पॉसिबल है ना जैसे अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा डिजाइनर बेबीज का कि बेबीज को तैयार किया जा रहा है डिजाइनर जैसे हम डिज़ाइनर कपड़े बनाते हैं ना वैसे हम बेबीज को भी रेडी कर रहे हैं जो जिसके अंदर बहुत ही डिजायरेबल करेक्टर कैरेक्टर हो है ना हमारे इंडिया में अगर डिज़ाइनर बेबी यहाँ पे वो हो जाए ना लीगल हो जाए इंडिया के अंदर तो हर घर का जो पेरेंट है वो यही चाहेगा कि मेरे घर के अंदर सचिन तेंदुलकर जैसे कैरेक्टर लेके बच्चा पैदा हो एक कहेगा मेरे धोनी जैसा बच्चा लेके एक कहेगा कि शाहिद कपूर जैसा अक्षय कुमार जैसा तो मतलब लोग ऐसे ऐसी डिमांडें करना शुरू कर देंगे जो आपके लिए बहुत वियर्ड होंगी तो दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है बच्चे। so that's why जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपने वो एप्लीकेशन पढ़ी नहीं होगी क्योंकि वो इतनी कैसे पढ़ लो गया बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट ना बहुत वास्ट है तो बट वो एप्लीकेशन बेस्ड है तो ज्यादातर स्टेटमेंट सही ही होती है स्टूडेंट ठीक है तो थोड़ा तुक्का लगा सकते हो बच्चों को तुक्का लगाने पे मेरे को बहुत एलर्जी है जो बच्चे तुक्का लगा के जाते हैं पेपर में बट यहां पे मैं आपको बोल सकती हूं कि हां अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर उनकी सारी स्टेटमेंट सही ही, ही होती हैं ठीक है जी थी? तो यहां मैं आपको थोड़ा सा यू you नो know, ट्रिक बता सकती हूँ ठीक है ओके okay. तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं बच्चे ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है उनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको अभी बताया जैमरी क्या होते हैं जाइगोड से जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको हम मेम्रियो कहते हैं उसके बाद हमारा फीटस बनना शुरू हो जाता है फिर कहता है जेनेटिकल चेंज कर सकते हैं हम एग और स्पर्म सेल ऑब्वियसली हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स से हैं स्टूडेंट उसके अंदर अगर हम चेंज करेंगे उसके जेनेटिक जेनेटिकल उसको हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा अगर आपने एग के अंदर चेंज कर दें कि हाँ जी जो बच्चा पैदा होने वाला है जो भी इस एग से जो भी हमारा फीटस डेवलप होगा उसके जो हेयर कलर है वो रेड कलर का होगा तो ऑब्वियसली उसका जेनेटिकल मेकअप वैसा ही होगा क्योंकि आपने चेंज करके उसको रेड कर दिए ठीक है अच्छा मैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ अच्छा अगर आप किसी पर्सन का जिनोम चेंज कर देते हो बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब कि जब वो जाइगोट बन रहा है जाइगोट से आगे जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज की तरफ जाता है एट सेल्स की तरफ वो मूव करता है ब्लास्टोसिस्ट की तरफ तब अगर हम वहाँ पे चेंज करते हैं तो भी वहाँ पे हमारा जिनोम एडिटिंग हम कर सकते हैं ठीक है देन दी स्टेटमेंट्स आर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं बच्चे ठीक है बट हाँ एक चीज़ याद रखिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी इथिकल और इथिकल यहाँ पे कंसर्न्स भी हैं ठीक है थीके? कि आप नेचर के साथ डायरेक्टली यू नो उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हो तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे इवन बैन भी है रिसर्च लेवल तक ठीक है बट उससे आगे आप नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके ठीक है बच्चे तो टेंथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है फटाफट से रीड कीजिए क्वेश्चन को कहता है इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड इन फॉर व्हाट प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये मैंने अभी अभी आपको समझाया भी था जब हमने वो ट्रांसफर सोमेटिक सेल ट्रांसफर की जब हमने बात की थी तो यहाँ पे भी वही चीज है सेम ही यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे हो रहा है कि मान लो कोई पर्सन ए है कोई फीमेल एग है स्टूडेंट उसका न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है खराब है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक हेल्दी सेल के अंदर एक हेल्दी सेल के अंदर ठीक है ठीक है ओके ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है बच्चे कि <clears throat> कि एक हमारी सेल है ठीक है जिसका न्यूक्लियस ठीक है बट उसका वैसे जो जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया है उसका माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे क्या है खराब है माइटोकॉन्ड्री और माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज होती है दैट कैन ओनली बी ट्रांसफर थ्रू फीमेल क्योंकि उसको ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि उसका ही माइटोकॉन्ड्रिया आगे फर्दर यूज होता है तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियस बिल्कुल हेल्दी है न्यूक्लियस को निकाल के हम बाकी जो होगा उसको वो हम डिस्कार्ड कर देंगे एक हेल्दी सेल लेंगे उसका न्यूक्लियस हम बाहर निकाल देंगे और इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे बी सेल के अंदर क्योंकि यहाँ पे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया वो बिल्कुल सही है तो यहाँ पे हमारा हेल्दी जो बेबी है वो यहाँ पे बनेगा जिसको माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज नहीं होगी ठीक है जी ओके तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है ठीक है तो बताइए क्या चीज है इसमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहाँ पे हम यूज करते हैं तो, तो दैट कैन दैट इज डी ऑप्शन प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफ स्प्रिंग ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज है ठीक है उसको हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है इवन इसी टेक्नोलॉजी को हम थ्री पेरेंटल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे एक पेरेंट एक हमारा ओरिजिनल पेरेंट ए और बी ये हमारे ओरिजिनल पेरेंट है जिनको चाइल्ड लेना है ठीक है ये हमारा स्पर्म है ये हमारा एग है बट जो फीमेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो हम क्या करेंगे एक थर्ड फीमेल को यूज करेंगे ठीक है जिसका हेल्दी जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है उसको हम लेंगे इसका वाला यहाँ से न्यूक्लियस निकालेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो मेनली हमारा जेनेटिकल मेकअप है ठीक है तो ये न्यूक्लियस हम इस सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे ये जो सी कैंडिडेट है सी कैंडिडेट का हम यू, या, यूज करेंगे एग सेल इसके अंदर ये न्यूक्लियस हम यहाँ पे यूज करेंगे बट एक चीज और भी याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इट हैज़ ओन डीएनए इसके पास खुद का डीएनए होता है तो यहाँ पे तीन तरीके का डीएनए हो गया एक फादर का बी और एक मदर का न्यूक्लियस का ए और एक थर्ड सी जिसका सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का हम डीएनए यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया थ्री पेरेंट इन्वॉल्व हो गए बच्चे तो ये जो चाइल्ड होगा दैट इज थ्री पेरेंटल चाइल्ड सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन समझ में आई यस और नो क्लियर आपको ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट तो ठीक है बच्चे मैं यहाँ पे सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर एंड आई होप कि आपको ये सेशंस बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे ठीक है जी कोई भी डाउट है तो आप यू नो कमेंट कर सकते हैं और इवन स्टूडेंट आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला रियुमर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए ठीक है जी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे